थके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेकर मानेंगे क्योंकि हम सब ने ठानी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि YouTube पर मैं बढ़ती बैच चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस डेली कराती हूँ। समझ पा रहे हैं ना? तो आज की जो क्लास का टॉपिक है आपका, वो है सामान्य ज्ञान के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आपने देखा होगा पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं। पेपर उठा लो, मॉक टेस्ट उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आपको कहीं ना कहीं वो लौट फिर के मिल ही जाएंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन क्वेश्चनों को देखना है और अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन, तबला का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये लगातार दो बार अपने पद पर रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड भी इन्होंने ही लिखी है। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? कि जब 1946 का जब चुनाव हो गया था, तो मुस्लिम लीग ने पता है क्या किया कि एक अलग राज्य में अपनी सरकार बना ली। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, दूसरे सम्मेलन में गांधी ने। ठीक है, दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? इम्पोर्टेंट है ना, किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज की क्लास में मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 6, देख पा रहे हैं ना, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी का जो उत्पादन होता है उसमें हम लोग भारत के ही तो हैं, किस स्थान पर हैं? हम दूसरे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। अब हमारा क्वेश्चन 7 कह रहा है, बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, मतलब कब होता है? तो 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण होता है प्रकाश का रंग? तो आपको ये बताना है, तो ये होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के कारण आपका प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अब आपका मिट्टी के घड़े में जल किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? अब आपने देखा होगा मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है ना, तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है आपकी बाष्पीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है? बाष्पीकरण प्रक्रिया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दालों का जो अनुसंधान संस्थान है भारत में, वो कहाँ पर है? वो अपने यूपी में, यूपी में कौन सी जगह पर है? कानपुर में, दलहन अनुसंधान संस्थान। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है। तो ये अनुच्छेद 40 में है।
समझ गए ना आप, ये सारे ही जो क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। अब आप क्वेश्चन 13 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, मतलब जो खेल सिखाते हैं ना उन्हें दिया जाता है। लिख लीजिए, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके विशाख दत्त, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा विशाख दत्त। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। इन क्वेश्चनों को लिख लेना, सारे ही क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये किस स्थान पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 कह रहा है आर्यभट्ट कौन थे? तो ये हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आर्यभट्ट कौन थे? ये हमारे गणितज्ञ व भूगोलवेत्त, खगोलवेत्ता थे, खगोलवेत्ता। ये कौन थे? ये गणितज्ञ व खगोलवेत्ता थे। और आपको पता है जो अंतरिक्ष में पहला उपग्रह लॉन्च किया था इन्होंने किया था सन 1975 में। 20वां क्वेश्चन है, श्वेतांबर व दिगंबर किस धर्म के अनुयायी हैं या अनुयायी थे? अभी भी बुक पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने है लिख दिया है। ठीक है, श्वेतांबर व दिगंबर किस धर्म के हैं? तो आपने अगर जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो ये हैं आपके जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो बस हमें कुछ करना थोड़ी ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके होगा क्या, पढ़ाई कीजिए बस, पढ़ाई से बहुत कुछ होगा। टेंशन लेने से सिर्फ दिमाग में टेंशन रहेगी, ये कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टेंशन लेने से यही होता है। मैं तो आपसे कह रही हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंस के जो काम हो सकता है वो रोक के थोड़ी ना हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।